जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपल लिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। भजन 105:14, परंतु उसने यानी कि परमेश्वर यहोवा ने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने नहीं दिया यानी कि इसराइलियों पर, और आगे लिखा है कि वो राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। अब ये भी बाइबल की एक डॉक्ट्रिन है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, डोंट टच माई अनॉइंटेड। बाइबल में बहुत सारे अनॉइंटेड हैं और बहुत सारे ऐसे भी मिस एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो कभी परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा चले थे लेकिन बाद में उनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ खराब होता गया। इनमें से एक था इसराइल का पहला राजा शाउल। शाउल राजा को कभी खुद शमूएल ने अनॉइंट किया था और वो भी यहोवा के अभिषिक्तों में गिना गया था, लेकिन किंग शाउल अपनी अनॉइंटिंग के बारे में समझ ही नहीं पाया, वो दूसरे के अनॉइंटिंग के पीछे पड़ा रहा। आपने अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ा है तो शाउल पर पवित्र आत्मा इतने बल से उतरा था कि वो खुद भी नबियों के बीच में भविष्यवाणी करने लग गया था। तभी तो इसराइल में ये कहावत कही जाने लगी कि क्या शाउल भी नबियों में से है। मतलब पूरे इसराइल में लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि नबुवत कर सकता है शाउल, लेकिन बाइबल बताती है कि जैसे ही उस पर अभिषेक आया था वो नबुवत करने लग गया था। और एक बार तो लिखा है कि वो नंगा पड़ा रहा सारी रात और नबुवत करता रहा, लेकिन एक समय आया जब वो दाऊद के ऊपर अटैक करने लग गया उसकी अनॉइंटिंग की वजह से। और जब दाऊद को शमूएल अभिषेक देता है या अभिषेकित करता है, दाऊद को मौका मिला था शाउल को मारने का, लेकिन उसने कहा कि मैं यहोवा के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाऊंगा। दाऊद शाउल राजा के ऊपर अनॉइंटिंग का आदर करता था, इस वजह से उसके ऊपर अनॉइंटिंग जीवन भर बनी रही। लेकिन बाइबल बताती है कि शाउल राजा ने कई बार दाऊद को मारने की कोशिश की, तकरीबन 6 से 7 बार। इसमें 3 बार तो उसने भाले फेंके थे और 1 बार तो योनातन को भेज दिया, 1 बार अपनी टीम को भेज दिया, वो भी दाऊद को मारने के लिए। बाइबल बताती है कि धीरे धीरे उसका अभिषेक कम हो गया और खत्म हो गया। वो ऐसा भी कह सकता था शमूएल से कि मेरी जगह अगर यहोवा परमेश्वर ने किसी को चुन लिया है राजा के लिए तो मैं उतर जाता हूं, आज ही उतर जाता हूं अपनी गद्दी से। उसने दाऊद की हानि करने की ठानी सिर्फ अभिषेक के चक्कर में। और नए नियम में यीशु मसीह जो कि यहोवा का अभिषेक था, असली अभिषेक था यानी कि मसीहा, उसकी एनॉइंटिंग से इतना ज्यादा नफरत की थी फरीसियों ने कि वो पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते चले गए और उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। मतलब वो इतना आगे निकल गए कि वो पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते चले गए और यीशु ने कहा कि ये अपराध क्षमा नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में ये बात आखिर लिखी क्यों है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे अभिषिक्तों को छुआ ना जाए। देखिए, हम सब बिलीवर्स के अंदर, विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा होते हैं और हम सबको ही मसीह की देह कहा गया है। हम सब मिलकर काम करने वाले लोग हैं। हम सबको परमेश्वर का राज्य लाना है, अपना राज्य नहीं लाना है। हम सब अलग अलग अंग हैं प्रभु यीशु मसीह के और हमारा काम अलग अलग है। अगर हमें किसी का काम समझ में नहीं आ रहा है, काम करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसके विरोध में बोलना शुरू ना कर दें। मैंने बहुत परमेश्वर के बड़े बड़े दासों को देखा है जो दूसरी मिनिस्ट्रीज के खिलाफ कभी भी बोलते नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने एक डॉक्ट्रिन अपनी सेवा में भी सिखाई कि दूसरे किसी अभिषेक के बारे में कभी मत बोलना, तुम भी कभी मत बोलना। अगर तुम अपने जीवन से अभिषेक बहते हुए देखना चाहते हो तो कभी दूसरे अभिषेक के बारे में कुछ भी बकवास मत करना, अपने मुंह पर हाथ रखना, वरना आप में और आजकल के सेक्युलर न्यूज चैनल्स में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। वो भी पवित्र आत्मा के कामों को गोरख धंधा बता रहे हैं। दाऊद ने भी शाउल जो कि कभी यहोवा का अनॉइंटेड हुआ करता था, उस बात का ध्यान रखा था और उसके जीवन में अनॉइंटिंग हमेशा दिखाई देती रही। लेकिन वहीं शाउल अनॉइंटिंग को अटैक कर बैठा था और अनॉइंटिंग उसके जीवन में दोबारा कभी नजर नहीं आई। धीरे धीरे वो कम होती चली गई। यीशु मसीह ने शैतान के राज्य के बारे में एक बात कही थी कि जिस राज्य में फूट होती है वो बना नहीं रह सकता। ये बात प्रभु यीशु मसीह के राज्य पर भी लागू होती है। अगर हम में आपस में फूट होगी तो वो राज्य बना नहीं रह सकेगा, यानी कि यीशु का राज्य आ नहीं सकेगा। यानी कि परमेश्वर के राज्य में अगर लोग सिविल वॉर शुरू कर दें, आपस ही में लड़ने लग जाएं या एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लग जाएं, तो बाहर वालों के पत्थर से हमें कोई डर नहीं रहा, हमें तो अंदर वालों के पत्थर ने जख्मी कर दिया। मतलब कि प्रभु की देह को ही जख्मी कर दिया एनॉइंटिंग के चक्कर में। इससे अच्छा होगा कि आप अपने समय को दें हीलिंग्स को देखने में, डिलीवरेंस कैसे होता है इसे देखने में, दुष्ट आत्माएं कैसे निकलती हैं, परमेश्वर वचन को सीखने में, गवाही टेस्टिमनीज ऐसे वीडियोस देखने में अपने समय को दें। आप जब दूसरे के ऊपर अभिषेक को आदर करेंगे, परमेश्वर आपको आदर करेंगे, आपको आपके हिस्से की एनॉइंटिंग दे करके। यही पवित्र आत्मा का काम है। जब पवित्र आत्मा ये देख लेते हैं कि ये बंदा इंटरेस्टेड है, मतलब कि ये दूसरे के अंदर एनॉइंटिंग में इंटरेस्टेड है, तो आपको आपके हिस्से का अभिषेक भी मिल जाएगा। सबको जय मसीह की।